आ गई है मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2022 के विनर्स की लिस्ट सामने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट कैटेगरीज के उन विनर्स के नाम जिन्होंने किया मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2022 की इस विनिंग लिस्ट में अपना नाम। तो ये सब जानने और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड जीता है शेरशाह फिल्म के सॉन्ग रतन लंबिया ने, जिसके सिंगर आशीष कौर और जॉबिन नौटियाल हैं। जबकि रिक्रिएटेड सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है सॉन्ग लड़की अंग्रेजी मीडियम ने, जिसके सिंगर रेखा भारद्वाज और सचिन जिगर हैं। जबकि एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है फिल्म शेरशाह ने, जिसके मेन लीड में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी जैसे पॉपुलर फेसेस देखने को मिले। अब नंबर आता है वोकलिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का, जिसकी मेल कैटेगरी का अवार्ड जीता है जावेद अली ने, जो कि इनको फिल्म पुष्पा द राइस में सॉन्ग श्रीवल्ली में जबरदस्त सिंगिंग की बदौलत मिला है। इसके अलावा जावेद अली रांझा रांझा तू मेरा हो गया है जैसे पॉपुलर सॉन्ग में अपनी सिंगिंग से इंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुके हैं। जबकि फीमेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है श्रेया घोषल ने, जो कि इनको फिल्म अतरंगी रे में सॉन्ग शकाचक में जबरदस्त सिंगिंग की बदौलत मिला है। इसके अलावा श्रेया घोषल परम सुंदरी तेरी मेरी जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुकी हैं। अब नंबर आता है अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड जीता है वेद शर्मा ने, जो कि इनको फिल्म मलंग में मलंग सॉन्ग में जबरदस्त सिंगिंग की बदौलत मिला है। जबकि अपकमिंग फीमेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है शर्वी यादव ने, जो कि इनको फिल्म स्कैटर गर्ल में सॉन्ग मारी छलांगे में जबरदस्त सिंगिंग की बदौलत मिला है। अब बात करते हैं म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड जीता है तनिष्क बागची ने, जो कि इनको शेरशाह फिल्म के सॉन्ग रतन लंबिया में जबरदस्त म्यूजिक कंपोजर की बदौलत मिला है। जबकि अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है अरिजीत सिंह ने, जो कि इनको फिल्म पगलेट में थोड़ा कम अजनबी में जबरदस्त सिंगिंग की बदौलत मिला है। इसके अलावा अरिजीत सिंह अगर तुम साथ हो हमदर्द जैसे पॉपुलर सॉन्ग में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुके हैं। अब नंबर आता है लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड जीता है तनिष्क बागची ने सॉन्ग रतन लंबिया की वजह से। जबकि अपकमिंग लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है पीर जहूर ने फिल्म गिरी वैट सनी के सॉन्ग रूबरू की वजह से। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में राग इंस्पायर्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड जीता है सोनू निगम ने फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग के सॉन्ग भीनी भीनी सी में जबरदस्त सिंगिंग की वजह से। जबकि सॉन्ग प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग एंड अरेंजिंग की कैटेगरी का अवार्ड जीता है ए आर रहमान ने फिल्म मिमी के सॉन्ग परम सुंदरी की बदौलत। जबकि सॉन्ग इंजीनियर रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग की कैटेगरी का अवार्ड जीता है फिल्म लूडो के सॉन्ग आबाद बर्बाद ने। अब बात करते हैं बैकग्राउंड स्कोर की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड जीता है संदीप शिरोदकर ने, जो कि इनको फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर की बदौलत मिला है। जबकि गोल्डन इरा एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड 1961 के एल्बम हम दोनों ने अपने नाम किया है। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की कैटेगरी का अवार्ड यूके डुबे ने अपने नाम किया है। जबकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक की कैटेगरी का अवार्ड ब्राउन मुंडे के सिंगर्स ने अपने नाम किया है। अब नंबर आता है लिसनर चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड अतरंगी रे के सॉन्ग चका चक ने अपने नाम किया है। जबकि लिसनर चॉइस एल्बम ऑफ द ईयर की कैटेगरी का अवार्ड फिल्म अतरंगी रे ने अपने नाम किया है। अब नंबर आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड सुमन कल्याणपुर ने अपने नाम किया है, जो कि इससे पहले दिल एक मंदिर है ना ना करते प्यार जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुकी हैं। जबकि डिफरेंट कैटेगरीज में रॉयल स्टेट लाइफ इट लास्ट की कैटेगरी का अवार्ड जीता है तापसी पन्नू ने, जो कि इससे पहले फिल्म थप्पड़ समेत बदला जैसी फिल्म्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं।
अब नंबर आता है ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर की कैटेगरी का, जिसका अवार्ड युहानी ने अपने नाम किया है, जो कि शिद्दत जैसे पॉपुलर सॉन्ग में अपनी सिंगिंग से एंटरटेन करते हुए भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज में फेस ऑफ बॉलीवुड हिट्स की कैटेगरी का अवार्ड जीता है करिश्मा कपूर ने, जो कि इससे पहले राजा हिंदुस्तानी समेत बीवी नंबर वन जैसी पॉपुलर फिल्म का भी हिस्सा रह चुकी हैं। पहले हमने आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2022 के विनर्स की लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।